तो ये शीट के अंदर असाइनमेंट नंबर 9 सब्जेक्टिव जो होमवर्क दी थी वो लोग पूछें क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा कि आपका पार्टिकल ए से मान लो बी पे जाता है ना, वैसे पूरा चक्कर काट रहा है, आपको ए से बी जाने पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर ये रेडियस आर है, ये आर है, तो पाइथागोरस से ये रूट टू आर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? रूट टू आर है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ होती है, ये लंबाई डिस्टेंस है। ये लंबाई कितनी है? जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है डिवाइडेड बाय 4, ये इसका डिस्टेंस है। अब उसी तरीके से सपोज कोई ए से लेके सी पे आता है तो डिस्टेंस कितना है? 2πr/2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? r+r 2r। सही है। जैसे सपोज करो आपकी बॉडी ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी पे आती है तो डिस्टेंस कितना है? 2πr का 3/4 है ना, 3/4 हिस्सा है, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से डी को ज्वाइन कर दो, अगर ये आर है, ये आर है, पाइथागोरस से रूट टू आर। ठीक उसी तरीके से अगर ए से लेके ए है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। डिस्टेंस क्या है? 2πr आंसर है। तो मैंने 8 के 8 आंसर यहां लिखे हुए हैं, तो कैसे किया ये बता दिया मैंने कैसे। अच्छा इसमें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट्स मेंशन नहीं, हाँ 8 आंसर आएंगे, राइट 4 हैं, 8 होने चाहिए। अच्छा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आ गया करना क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या वैल्यू निकलेगी, क्लियर है? ठीक है मान गया। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 में बॉडी ए से बी जाती है विद 40 मीटर पर सेकेंड, वापस आती है 60 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है। बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पर वापस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। और टोटल स्पीड की बात करें तो जाने का डिस्टेंस मान लो एक्स है, आने का एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस एक्स 2x। यहां तक क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जाने का टाइम क्या है? एक्स अपॉन 40, आने का टाइम क्या है? x बाय 40 पुट कर दिया। ठीक यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो यहां पे x कॉमन आ गया तो 1/40 + 1/60, x से x कैंसिल, लेना एलसीएम, आंसर आएगा 48। समझ में आ रहा है यहां तक? मैथ तो ना कराऊं इसका, ये कैसे करना है, ये तो हो जाएगा। ठीक शीट अपलोड कर दूंगा, जिसको चाहिए हो गूगल ड्राइव से देख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला डायरेक्ट? 2v1v2/v1+v2। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को तो याद है क्योंकि मैंने तो 20-22 बार कर रखा है। जब मैं आपसे 1.5 साल बाद पूछूंगा ना आपको कि कौन सा फॉर्मूला, हाँ अच्छा हाँ किया तो था यार, 5000 न्यूमेरिकल के बाद किसको याद है कौन सा फॉर्मूला? पहले ही 1000 फॉर्मूलाज करने हैं जो एक्चुअल फॉर्मूला, 2 साल में क्यों बोझ डाल रहे हो दिमाग पे? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम कर दो, सुखी रहोगे। हाँ बाई डिफॉल्ट याद हो गया, उसका कसूर नहीं आपका, हो गया तो हो गया। ठीक फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड ना करें, अगर फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड करना होता मैं ऐड करवा देता आपको। जाते हुए थर्ड में डाउट, सबका हो गया थर्ड। फोर्थ में डाउट, फोर्थ के अंदर बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी। जब भी वो लिखेगा, मैंने बताया था 1/3 ऑफ जर्नी, हाफ ऑफ जर्नी, x/2 x/3 कर देना है। तो 1/3 ऑफ द जर्नी का मतलब टोटल जर्नी अगर x है तो 1/3 कितनी है? x/3। अगली x/3, अगली x/3, पहली x/3 विद वेलोसिटी u, अगली x/3 v, अगली x/3 w। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस x/3 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 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से x/3 कॉमन आ गया, x से x कैंसिल, आंसर आ गया। ये तो मैथ है, एलसीएम लो, रेसिप्रोकल लो, आंसर। बेसिक स्टेप समझ में आ रहा है क्या करना है ये वाला? ये इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इसमें?
कितनों का हो गया वैसे, हो गया था ठीक है, हो जाएगा ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। देखो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको हिंट भी दिया था लास्ट टाइम, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दिया था, कितनों हो गया। अच्छा आपने फिर थोड़ा देखा उसको कैसे किया, फिर कर लिया, हो गया था ठीक है, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ये प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे मैंने देखा मेंस की प्रॉब्लम आई हुई है सेम, ये ABCD ऑब्जेक्टिव था आपको कि ये NCERT का क्वेश्चन मेंस में कैसे आ गया। आपको मैं बता दूँ नीट का भी कल पेपर हुआ है, आप देखोगे ना वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन, हो सकता है आप देखोगे मोशन सॉल्व भी कर दो, इतना तो आप यूनिट डायमेंशन तो कुछ भी नहीं है। मेरा टेस्ट तो बहुत बड़ा था कल, इतना बड़ा तो टेस्ट भी नहीं आता जितना मैंने आपको दिया हुआ था, क्योंकि मेरे को तो ठीक करवाने ही करवाने ना, आपकी ग्रिलिंग करके ठीक करवाने हैं। आप पुराने बुक्स उठा के देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर मेरे को आपको थोड़ा सा चैलेंज देना है तो ऐसे थोड़ा मज़ा नहीं आता ना, चैलेंज तो होना ही चाहिए। तो आपको वैसे बता दूँ एक और चीज़, जो तो CBSE कर रहे हैं देखो तो अलग पैटर्न है, वो तो बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे ही। जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेन्स या नीट की, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ या कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन तीन लेवल में बनता है हमेशा। आप ये कभी नहीं आप पेपर देखेंगे कि बहुत टफ पेपर आया, मतलब ही नहीं है। सोचो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया मैंने क्लास में, और अब मेरे को सिलेक्शन करनी है कि चलो एक कॉलेज की सिलेक्शन करते हैं। बहुत मुश्किल पेपर में क्या होगा, तुमसे भी ना होना, मुझसे भी नहीं होना, हम सब आउट। चलो बहुत आसान पेपर डालता हूँ, पहला क्वेश्चन है 2+2=4, तुमसे भी होगा हमसे भी होगा, तो सिलेक्शन कैसे होगी। तो पहला क्वेश्चन होगा 2+2=4, जो तो एडिशन भी सीख के नहीं आए पहले तो उनको आउट करो, वो कहते हैं उनको बाहर निकाल लो, ये तुमको तो इतना भी नहीं आता, आउट। फिर है मॉडरेट लेवल, थोड़ा सा एक ट्रिक वाला क्वेश्चन डालते हैं, 1/3 पेपर ट्रिकी हो, थोड़ा सा ट्रिक होता है उसमें हल्का सा, जो बिल्कुल रट्टे मार के फॉर्मूला बेस काम कर रहे हैं अब वो आउट हो जाएंगे, सेकेंड लेवल आउट हो गया। अब थर्ड लेवल आता है जिसमें एक्चुअल में लोग पूरे खिलाड़ी बन के आए हैं, 500-500 क्वेश्चन करके आए हैं, देखो वो उसको क्रैक करेगा, तब जाके 99 की ब्रैकेट में एंट्री होगी, समझ रहे हो। तो 1/3 पेपर से ज़्यादा NCERT बेस्ड ही आएगा कॉम्पिटिशन में, बिल्कुल बेसिक ऐसा ही जैसे नॉर्मल चल रहा है, फिर धीरे 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 अब चलता है लेवल, ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक KBC की तरह, कौन बने करोड़पति, 2000 का क्वेश्चन अलग है, 500 का अलग है, फिर 1,00,000 का अलग है, 2,00,000 का, ये 7 करोड़ का अलग है, तो समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे ही वो कंप्यूटराइज गेम चलेगी, तो ये आपको समझना है। तो आपके बेसिक्स वीक नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, कम से कम 16 क्वेश्चन तो ठीक कर लें, 25 में से कितने परसेंटेज आ जाएगा 16 करने के बाद फिजिक्स में, 95+ तो टप ही जाओगे, पक्की बात है 25 में से, 20+ में तो पक्का 99 के ब्रैकेट में एंट्री है, ठीक। तो इतना भी बड़ी बात नहीं है, इतना तो कर ही लोगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने एक पूरी जर्नी है, उसने बोला बॉडी ट्रेवल्स हाफ, वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है तो आधा डिस्टेंस कितना है, x/2 कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, v0 गिवन है। तो ये तो हो गया फैसला। फिर अदर रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग हाफ में डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। अब समय को आधा करना है, तो अगर ये जर्नी t1 टाइम में है तो ये जर्नी t2 टाइम में है, तो टोटल टाइम t2 के दो हिस्से हैं, t2/2 t2/2, पहला हाफ टाइम में वेलोसिटी v1 है, अदर हाफ टाइम में वेलोसिटी v2 है। डायग्राम क्लियर है यहां तक? तो पहले आपने जर्नी को हाफ कर लिया x/2, फिर आपने समय को हाफ कर लिया t2/2, फिर आपने क्या लगाया यहां पे, टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस कितना है x/2 और टोटल टाइम क्या, t1+t2। t1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी एरी। t2 की वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है x/2 और x/2 किसके इक्वल है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है x/2, ये डिस्टेंस कितना है v1 × t2/2, ये डिस्टेंस कितना है v2 × t2/2। तो यहां से 2 2 2 कैंसिल, सॉल्व करके ये टर्म आ गई, यहां से t2 आ गया, इधर से t1 आ गया, इधर से t2 आ गया, दोनों टाइम्स आ गए, दोनों टाइम्स को इन फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पुट कर दिया, इधर से t1 इधर से t2, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो पहला टाइम x/2 / v0, दूसरा टाइम x / v1 + v2।
तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, इसमें क्या किया मैंने? तो यहां से जो टाइम टी वन टी टू निकाला, इस टाइम को उठा के यहां पे पुट कर दिया, टू नीचे आ गया, ठीक है, ये टू नीचे आ गया, एक्स यहां से कॉमन आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आ गया, ये टर्म बच गई, इधर से इन दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, आपको क्वेश्चन का आंसर जो था इस फॉर्म में क्या बने। मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है? तो रूल, बेसिक रूल इसका यही है, बेसिक्स इसके यही है कि आपको जब ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको टोटल जर्नी को ऐसे डिवाइड करके पहले एक्स बाई टू के फॉर्मूले से टी टू निकालना पड़े, ठीक, और फिर वैल्यूज में पुट करके ये आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बॉडी ने वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, वन हाफ ऑफ एक्स क्या है एक्स बाई टू, कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, लिख लिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एक्स बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, हाफ टाइम, तो यानी कि अगर ये टाइम टी टू है तो हाफ टाइम कितना है टी टू बाई टू, कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, अदर हाफ टाइम वी टू। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इस जर्नी का टाइम तो पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस जर्नी के टाइम के लिए टोटल डिस्टेंस एक्स बाई टू इज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है v1 into t2 by 2, ये डिस्टेंस कितना है v2 into t2 by 2, 2 to 2 कैंसिल से t2 आ जाएगा, बस फिर t2 आ गया, इस t2 को यहां पे पुट कर दिया, सॉल्व करके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद तो मैथ है, इसके बाद फिजिक्स खत्म है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट सफा हो गया? अच्छा नेक्स्ट का डाउट, ये शीट का प्रॉब्लम था, अभी कह रहा था फॉर्मूला याद कर लूं, ये वही है 2v1 v2 v1 plus v2। क्या करवाया था, पहला ओपनिंग क्वेश्चन यही था एवरेज वेलोसिटी का, बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो यानी कि डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करो, एक्स बाई टू एक्स बाई टू विद वेलोसिटी वी वन वी टू, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स बाई टू एक्स बाई टू, पहला टाइम क्या होगा एक्स बाई टू बाई वी वन और दूसरा एक्स बाई टू बाई वी टू, x by 2 common, x से x cancel answer, ये ना। तो जो हैंड रिटन शीट दी थी उसके दो क्वेश्चन करवाए थे, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस या फर्स्ट जो t by 2 और x by 2 वाला कॉन्सेप्ट। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? जब भी काम करो पहले रिवाइज जरूर करो प्लीज़, वो रिविजन के साथ ही चलेगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, सेम प्रॉब्लम है, बस v1 v2 की जगह 40 और 60 गिवन है, बाकी सेम है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो चुका है 2v1 v2 by v1 plus v2 तो लगा लेना, किसने मना किया, बट रिटेन कर लेना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9 का आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है, किसी को डाउट इसमें? इसमें आर्स में कन्वर्ट करना है, उसने क्या बोला, ट्रेन मूव विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर फर्स्ट 15 मिनट्स, 15 बाई 60 करके आर में कन्वर्ट करो, क्योंकि किलोमीटर पर आर है ना, तो आर को आर रहने दो। नेक्स्ट स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आर और 15 मिनट्स का मतलब इतने आर्स। नेक्स्ट क्या है, 60 किलोमीटर पर आर, 30 बाई 60 आर, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 30 इंटू वी इंटू टी, वी इंटू टी, वी इंटू टी, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस एड आंसर, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज द फॉर्मूला, और कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कितना का हो गया था वैसे ये, हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, बॉडी कवर्स s1 विद वेलोसिटी ऑफ v1, s2 विद वेलोसिटी ऑफ v2, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है s1 प्लस s2, टोटल टाइम क्या है s1 बाय v1 s2 बाय v2 LCM आंसर, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट? अब ये तो बिना कैलकुलस के तो ओके है भाई, बिना कैलकुलस के ओके है ये कृष्णा, ठीक है? समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिलहाल कुछ टाइम ठीक चलेगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11th में ऐसे तो ये तो मैंने कैलकुलस के पेपर में बहुत सारे दिए थे, ये वैसे नहीं है क्वेश्चन, और लास्ट टाइम सॉल्व भी करवाया था ऐसा ऐसा, कैसे?
एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। आधी जनता तो कहती है ए और बी क्या मुसीबत आ गई, फॉर एक्सलेशन तो नहीं ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, वेयर ए इज 8.5 और बी इज 2.5, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहले इसको ठीक तरह करके लिखो, एक्स की जगह 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? ये एक्स की वैल्यू गिवन है, कोई डाउट इसमें? एक्स ठीक कर लिख लिया, क्या निकालना है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड? मुझे एक बात बताओ, कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? कुछ मेंशन किया नहीं, बोला उसने एवरेज नहीं बोला? एवरेज जब पूछेगा तो बोलेगा फाइंड एवरेज, और अगर नहीं पूछेगा एवरेज तो फिर कौन सी होगी? इंस्टेंट कैलकुलस यूज करना है। तो ये एक्स पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, ये आपने सुना होगा, dx/dt। एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर ली, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, इसकी डिफरेंशिएशन 0 और इसकी 2t इंटू 2.5 5t, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? 5t। आपको दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालनी है एट टाइम 0 एंड एट टाइम 2 सेकेंड। तुम टाइम को 0 पुट करो, वेलोसिटी 0, तुम टाइम को 2 पुट करो, 5 इंटू 2 10। कोई डाउट इसमें? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, फिर और क्या निकालना है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4? एवरेज मींस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो आप इसमें एवरेज में ये फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलस नहीं लगाओगे। अब आपको दो टाइम गिवन है बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड, तो तुम एक काम करो, वेलोसिटी में नहीं इंपॉर्टेंट, एक्स के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, किसकी? टाइम को 2 पुट करो, एक्स वन आएगा। एक्स के फॉर्मूले में टाइम को 4 पुट करो तो एक्स टू आएगा। आपको v1 v2 नहीं चाहिए, आपको x1 x2 चाहिए। तो x का फॉर्मूला आपको गिवन है, आप टाइम में 2 और 4 पुट करो, x1 x2 आएगा। x2 x1 की जगह वैल्यू पुट करो, t2 t1 4 और 2 पुट करो, सॉल्व करो, आंसर 15 मीटर पर सेकंड आएगा। कोई डाउट इसमें? तुक्का भिड़ गया तो कह नहीं सकता गलत है, लेकिन फिर सारी फिजिक्स जो की वो गलत हो गई, क्योंकि मैं इतनी देर से कह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, पहला लेक्चर से ही बोल रहा हूँ, और आज मैं लोगों को ये कह दूँ नहीं नहीं v1 v2 2 कर दो, तो सब में हर के लिए आसान रास्ता सबसे अच्छा है, गलत हो जाएगा, मतलब गलती से आंसर आ गया, आएगा नहीं वैसे, बस लग गया लगेगा नहीं हर क्वेश्चन में, मत करना ऐसे ही करना, x2 निकालना, x1 निकालना, और x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 ही करना, आपका आंसर जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट सबका हो गया, याद रहेगा ये दिन जब किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा। ये तो मतलब फिजिक्स में रिकॉर्ड है ना, असाइनमेंट सारी सॉल्व करनी पड़ी, तभी तो लिख के लाता हूं। बोलो ठीक है, हो जाएगा, चलो बड़ी खुशी हुई फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, कौन सी? इंस्टेंटेनियस। कब? जब टाइम 0 सेकेंड है। देखो पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। तो यानी कि सबसे पहले क्या निकालना है? एक्स। तो एक काम करो, एक्स का फॉर्मूला लिखो, टाइम 0 पुट करो, एक्स 25 आ गया, एक आंसर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो dx/dt, डिफ्रेंशिएट करके आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंशिएट करके आएगी, डिफरेंशिएशन तो ना सिखाऊं, समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंशिएशन के बाद ये आंसर आएगा, टाइम को उठा के 0 पुट करो आंसर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन 8, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है 8, आंसर। तो एक्स आ गया, वी आ गया और ए आ गया, दो बार डिफरेंशिएट करके ए आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर हो गई। मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, व्हेन, व्हेन का मतलब टाइम, टाइम बताओ कब वेलोसिटी 0 है, तो तुम ये बोलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, तुम इसको उठा के 0 पुट कर लेना, तो टाइम आ गया, इतने समय पे वेलोसिटी 0 है, आंसर। फिर वो कह रहा है कि क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? हाँ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? कॉन्स्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है,
आज कराऊंगा। वेरिएबल तब होगी जब ए एक्सलेशन टाइम की फॉर्म में आ रही है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम आ रहा है तो फिर वेरिएबल हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट 14 15 आज कर लिया। आज जो लेक्चर स्टार्ट हुआ तो यहीं से हुआ था, लिमिट्स कैसे लगानी है, एक्सेलेरेशन से वी कैसे निकलेगा। 18 आंसर आया था, सेम है। 16th क्लोज।